आज की इस नेशनल प्राइम टाइम में आपको पता चलने वाला है 100 रुपये वाले हिंदुओं के बारे में, जो 2024 के बाद वाले हिंदू हैं, इनमें कुछ खास प्रकार के हिंदू हैं, स्पेशल वाले, जो कि 100 रुपये में वो तमाम काम कर जाते हैं जिससे बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचता है। भगवान श्री राम का नाम बदनाम करने वाले 100 रुपये वाले हिंदू, भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले 100 रुपये वाले हिंदू। बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन सबूत के आधार पर, सच्चाई के आधार पर और तमाम रिपोर्ट और पोस्ट के मुताबिक, सबूत के मुताबिक आपके सामने रख रहा हूँ। कन्नौज में एक बड़ा कांड हुआ। रामनवमी एक ऐसा त्यौहार बन गया, बल्कि यूं कहूं कि अब हिंदू जितने भी त्यौहार हैं सब पर अब ऐसा माहौल बन गया है कि डर बना हुआ होता है कि कहीं दंगा फसाद ना हो। हाँ, लेकिन दुनिया को यकीन होता है कि ईद, बकरीद या दूसरे मुसलमानों के प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को क्लियर हो गया है कि मुसलमान कभी आगे से पंगा नहीं लेता है। बेचारा मुसलमान तो अपने मुल्क में शांति करा रखने के लिए अपनों की शहादत भी दे देता है, खुद जेल भी चला जाता है, खुद पिट भी जाता है, खुद चुप्पे रह जाता है, सब्र और तवक्कुल के साथ काम करता है। लेकिन आज दूसरे लोगों के बारे में ये क्लियर हो गया है कि ये भले ही पूरी ज़िंदगी कभी मंदिर न जाएं, लेकिन मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, उन पर हमला करने के लिए, मुसलमानों को डराने और गरियाने के लिए, उनकी मस्जिदों के सामने जाकर नाचने के लिए ये रैलियों में परमात्मा श्री राम, भगवान श्री राम, शिव जी का नाम लेकर खूब ये आतंक मचाएंगे। दोस्तों, कन्नौज में भी यही हुआ। कन्नौज में रामनवमी का दिन था और रैली, शोभा यात्रा ज़बरदस्त तरीके से हुड़दंग मचाते हुए निकल रही थी। अचानक से वहाँ मज़ार वाली जगह आई। मज़ार वाली जगह की ये CCTV फुटेज है। मज़ार देखते ही एक हिंदू लड़का उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इस मज़ार के ऊपर, आप चौखट पर देख रहे हैं, चढ़ जाता है, झंडा लेकर भगवा लहराता है। लेकिन मज़ार पर बैठे हुए, मज़ार के आसपास मौजूद जिंदा दिल मुसलमानों ने तुरंत उसको नीचे कर दिया कि तुम नीचे जाओ भाई, सीधा सीधा निकलो। ये एक वाहिद वीडियो प्रूफ है जिसमें दिख रहा है कि हाँ, सामने से जो भीड़, अतिवादियों की भीड़ आ रही थी, उसमें से ही कोई व्यक्ति ऊपर कूदा है। इधर से किसी ने कोई पथराव नहीं किया। हालांकि वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस तमाशबीन की तरह चुपचाप देख रही थी। लेकिन पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि यह मामला तूल पकड़ सकता है। मामला कुछ ऐसे हुआ जो आप टाइटल देखकर परेशान है कि 100 रुपये वाले हिंदू कैसे। मैं बताता हूँ। कन्नौज के माननीय SP ने कार्रवाई के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो खुलासा किया है, आज 100 रुपये वाले हिंदुओं का पूरा खेल खुल गया है। SP साहब बताते हैं कि हमने अभय नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो मज़ार पर चढ़ा था, भगवा लहराया था, और प्लान था, मकसद था माहौल ख़राब करना, दंगा भड़काना, मतलब सीधा सीधा BJP और मोदी जी के लिए काम करना, फ़ायदा पहुंचाना। दोस्तों, भगवान श्री राम के नाम पर निकलने वाली रैली में अभय नाम के व्यक्ति अपने 3 से 4 साथियों के साथ मौजूद था। अब वहाँ के SP बता रहे हैं कि अभय नाम के युवक को उकसाया गया था 3 लोगों के द्वारा। वो इमाम चौक पर धार्मिक महत्व वाले चबूतरे पर भड़कावे में आकर चढ़ जाता है। इसके लिए अभय को 100 रुपये दिए जाएंगे। अभय झंडा लेकर चबूतरे पर चढ़ा, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने उसे भगा दिया। इसके बाद माहौल ख़राब हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते बुधवार की रात रामनवमी को शोभा यात्रा निकल रही थी। अचानक रजियाना मोहल्ले में इमाम चौक के पास युवक हाथ में झंडा लेकर धार्मिक महत्व वाले चबूतरे यानी मज़ार पर चढ़ गया। मेरे दोस्तों, SP साहब को आतंकी अभय ने बताया, जिसने झंडा लहराकर देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, और इस 100 रुपये वाले हिंदू ने पूरे इलाके में दंगा भड़काने की कोशिश की। इसने खुद बताया कि राहुल, विशाल, आशीष, इनके तीनों दोस्तों ने इस अभय से कहा रैली के दौरान कि ये झंडा भगवा लेकर मज़ार पर चढ़ा जाके 100 रुपया मिलेंगे। बस 100 रुपये का नाम सुनते ही
उसको फर्क नहीं पड़ा कि क्या होगा। 100 रुपये के लिए अभय भगवा लेकर मजार पर चल जाता है, जिसके बाद पुलिस ने देखा, पुलिस ने जैसे तैसे समझाइश करके रैलियों को आगे बढ़वाया। जब लोगों ने उसको नीचे उतार दिया तो लोगों को अब ये बुरा लगा, जो ये 100 रुपये वाली भीड़ चल रही थी, इसको ये बुरा लग गया कि ये हमारे भगवा का अपमान है। उनकी नज़र में ये अपमान नहीं है कि भगवा की कीमत सिर्फ 100 रुपया है और भगवा लहरा कर दंगा करवाने की कीमत 100 रुपया है। लेकिन दोस्तों, वहाँ जितनी भी भीड़ थी सबके दिमाग और दिल में दंगा था। दोस्तों, उन्होंने क्या करा, बजाय शांति से रैली आगे बढ़ाने के शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे भगवा का अपमान हो गया, ऐसे कैसे मजार पर नहीं लहराया जा सकता, ऐसे कैसे मुल्लों के यहाँ नहीं लहरा, अरे यहाँ रहना है तो फलाना कहना है, ये चीज़ें होने लगी। लेकिन पुलिस ने बड़ी समझदारी और सतर्कता और नरमी से काम लिया, हाथ पैर जोड़कर समझाइश करके वहाँ के लोगों को निकाल दिया और अपनी ये पूरी रैली को ख़त्म करवाया। जिसके बाद सीसीटीवी पुलिस ने खंगालना शुरू करी, क्योंकि मामला बढ़ने वाला था। जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साबित हुआ कि सामने से ही भीड़ कूदी थी, सामने से ही भगवा लेकर मज़ार पर चढ़े थे ये लोग। मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया था, मुसलमान चुपचाप बस देख रहे थे। और उसके बाद किसी ने भी भगवा का अपमान नहीं किया, क्योंकि अभय ने खुद बोला कि जब मुझे लोगों ने नीचे उतार दिया तो मैंने वो भगवा अपने दोस्त राहुल और दूसरे लोगों को देकर वहां से आगे बढ़ गया, जिसके कुछ देर बाद मेरे चारों साथी अलग अलग इलाकों में चले गए। भाई ठर्रा पीने चले गए होंगे, है ना, नशे में तो रहना ही होता है इनको। बहरहाल पुलिस ने FIR करी और उसके बाद पूरा खुलासा हुआ। आइए अब वहाँ के पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। 17 अप्रैल को थाना कोतवाली कन्नौज में शाम के वक्त रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा के रास्ते में इमाम चौक के पास एक चबूतरा है जो दूसरे समुदाय के लिए धार्मिक कार्य में प्रयोग किया जाता है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जब शोभा यात्रा इस चौक के पास पहुंची तो शोभा यात्रा में से एक युवक अचानक इस चबूतरे पर झंडा लेके चढ़ गया, जिसे तत्काल वहाँ पर मौजूद पुलिस बल और जनता के लोगों ने उतार दिया। जब उसको पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो भीड़ में भाग के गायब हो गया। आज 4 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो झंडा लेके लड़का चढ़ा था, अभय उर्फ मुर्गी, इसको गिरफ्तार किया गया। इसने पूछताछ में बताया है कि इसके जो अन्य साथी थे, राहुल, विशाल और आशीष, ये सारे थाना कोतवाली कन्नौज के रहने वाले हैं। इन्होंने इसको बोला था कि तुम्हें 100 रुपये देंगे इस पे चढ़ जाना, जिस पे ये चढ़ गया। और जैसे ही इसको उतारा गया, ये झंडा अपने दूसरे साथी विशाल कश्यप को देके वहाँ से अलग हो गया। और घटना करने के बाद ये चारों उस शोभा यात्रा से अलग हो गए और अलग अलग जगह चले गए। आज इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पूछताछ में अन्य लोगों के भी कुछ नाम आए हैं, जिनके संबंध में अभी कार्रवाई की जा रही है। क्या मन सकती सर इस तरह की घटना को कार्रवाई करें? अभी जो अभय है, इसने पूछताछ में बताया कि इसको 100 रुपये देने की बात की गई थी कि तुम चढ़ जाना, और फिर जिसके लिए ये किया। इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उससे विधिक कार्रवाई करते हुए अवगत कराया जाएगा। सर कहीं घटना के पीछे का जो आशय था वो काफ़ी खतरनाक है। इसमें जिस समय ये किया गया तो उस समय पुलिस बल ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराया, बट उस समय सिचुएशन थोड़ी टेंस रही थी, जिसे वहाँ के स्थानीय लोगों और पुलिस बल ने अच्छे से पूर्ण कराया। शोभा यात्रा में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आया था और शोभा यात्रा समय से सकुशल संपन्न हुई। इसमें जो ये अराजक तत्व थे, इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, आज उनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रशासन का हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्रता से धन्यवाद अदा करेंगे, यूपी पुलिस को लाखों सलाम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया और इलाके में दंगा भड़काने से रोक लिया। और दंगा होता अगर तो फिर क्या होता, आप सोच नहीं सकते। ये तो यूपी पुलिस ने, मेरे नज़र में तो शायद ये बहुत कम होता है, लेकिन कन्नौज पुलिस ने ज़बरदस्त काम किया भाई। 2 दिन के अंदर सारे मामले की पोल खोल डाली और इसमें अहम किरदार सीसीटीवी फुटेज का था, जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ कि अपनी मज़ारों, इमामबाड़ों, मसाजिदों, अपनी ज़मीनों,
हत्या की अपने मकानों के आसपास ऊंचाई पर सीसीटीवी कैमरा, अच्छी क्वालिटी का नाइट विजन का भी विथ साउंड जरूर लगवाइए, क्योंकि कुछ रुपया आपकी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। ठीक है, चार लोग मिलकर लगवाइए, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब परिवार से हैं, कोई बात नहीं, पांच लोग दस लोग मिल जाइए और गली के एंट्री पर आप कैमरा लगवा लीजिए। ऐसी जगह कैमरा लगवाइए कि तीन चार घर एक साथ कवर हो रहे हों, क्योंकि अतिवादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोचिए, जब 100 रुपये में एक हिंदू समाज का युवा, एक लड़का दंगा भड़काने के लिए भगवा लहरा सकता है मजार पर, तो 1 लाख के लिए ये लोग क्या क्या कर देते होंगे। आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, और आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है कि ये जब 100 रुपये में ये कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये में क्या करते होंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि रामनवमी के दिन मुसलमानों को उकसाने की पूरी कोशिश की गई। रायचूर की कर्नाटक की ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें मस्जिद के ऊपर लेजर लाइट मारा जा रहा है, भगवाधारी नाच रहे हैं, हथियार लाठी लेकर चीख चिल्लम मचा रहे हैं, और आपको कॉपीराइट के चलते मैं दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर आपत्तिजनक गाने भी हैं, नारे भी हैं, और आप बस तस्वीर देखिए कि पीछे मस्जिद है जिस पर लाइट मारी जा रही है, और लाइट को देखकर जैसे छोटे बच्चे पगला जाते हैं वैसे ये झुंड पगलाया हुआ है। इसी तरह से कोटी हैदराबाद के तेलंगाना के इलाके में हिंदूवादी अतिवादी दहशतगर्द, जिसका नाम टी राजा है, बीजेपी का नेता, जो खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच दे रहा है और 40,000 मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की बात कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, न शासन इस पर कार्रवाई कर रहा है, न प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है, न न्यायपालिकाएं इस पर कुछ बोल रही हैं। 17 तारीख का ये वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी इन लोगों ने कर ली है। एक अयोध्या राम मंदिर बनने से हमारा पेट नहीं भरा, अब हम काशी की ओर देख रहे हैं, अब हम काशी के सर्वे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि अब काशी में भी भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसलिए हिंदुओं की लालच और दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। अरे काशी में मंदिर बनते ही हमारा हिंदू कहां देखेगा, फिर मथुरा की ओर देखेगा। मथुरा की ओर देखने के बाद में, क्योंकि मथुरा में भी सर्वे प्रारंभ हो चुका है, वहां पर जो बने हुए इलीगल ढांचे भी साफ होंगे, क्योंकि वहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बोलता नहीं, डायरेक्ट ठोकता है। अब हम केवल 3 मंदिरों में हम नहीं रुकने वाले, हमारे 40,000 जो मंदिर इन्होंने तोड़ी है, 40,000 मंदिर है, हम लेकर बताएंगे मेरे भाइयों, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कोई 100 रुपये के लिए दंगा फैला देता है, कोशिश करता है, कोई सीट के लिए ये करता है, और कोई नेता बनने के लिए ये कर रहा है। स्क्रीन पर मौजूद इस कुर्ते पजामे में हथियारबंद जिस आतंकी को आप देख रहे हैं, जो खुली तलवार, नंगी तलवार लिए खड़ा है, इसका नाम जीतू बताया जा रहा है, राजस्थान का रहने वाला है। इसने लिखा क्या है आप देखिए, लिखता है, मुस्लिमों में चर्चा हो रही थी कि मोदी ठीक है, अगर योगी आ गए तो कुरान का नाम बदल के पुराण न कर दे, आपका ये खौफ अच्छा है। योगी को समर्थन देते हुए, क्योंकि आज यही चल रहा है, योगी और मोदी को समर्थन देते हुए अगर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी सड़क पर आ जाए तो उसको खुला सपोर्ट मिल जाएगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। मेरे दोस्तों, जहां कुरान पाक का खुल्लम खुल्ला इसने अपमान किया, मुसलमानों के अंदर शांति बनी रही, मुसलमान कुछ न बोला, देखकर स्किप करता रहा, क्या ही करेगा जब ईमान का ही कच्चा है। जो मुसलमान अजान हो रही और मस्जिद न जाए, वो रील बैठकर ऐसी तस्वीरें देखकर उसका ईमान जागे, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, जिस बाप की बेटी घर से बेहया निकल रही हो, बेहिजाब निकल रही हो, खुले सर निकल रही हो, वेस्टर्न ड्रेस अपने बॉडी को एक्सपोज करते हुए लेकर निकल रही हो, उस बाप को दीन इस्लाम की क्या ही फिक्र होगी। बहरहाल ट्रैक दूसरा हो गया है, लेकिन ये एक बड़ा मसला है, सोच के देखिएगा भाई साहब। कुछ लोगों ने राजस्थान के आपत्ति जताई,
सलाम उन लोगों पर जिन्होंने FIR करने के लिए थाने का रुख किया। मेरे दोस्तों, राजस्थान के मसौदा के जिंदा मुसलमान जिनका ईमान तरोताजा था, वो थाने पहुंचते हैं, FIR की मांग करते हैं, लेकिन जब ये वहां जाते हैं तो FIR के लिए मना कर दिया जाता है। हजरात सोच के देखिए, मामला जब ज्यादा तूल पकड़ा ट्विटर पर, तो बेवर राजस्थान पुलिस ने सस्ती और हल्की धारा 151 में उसको गिरफ्तार किया, और जैसे गिरफ्तार किया, जितनी तेजी से गिरफ्तार किया उससे 20 गुना तेजी से उसको आजाद कर दिया। जिसके बाद बहुसंख्यक समाज, जो समाज बलात्कारियों का आरती उतार कर स्वागत करता है, उसके लिए तो हीरो ही होगा। अब तस्वीर देखिए, उसका माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया है। यानी आज हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समाज ऐसे धर्म वाले हैं जो दूसरे के धर्म को गाली बकते हैं और दूसरे की बहन बेटियों गरियाते हैं, दूसरे की किताबों को उल्टा सीधा कहते हैं, तो उनको यही समाज मोहब्बत देता है, इज्जत देता है, प्यार देता है। अब आप समझ लीजिए, पुलिस ने भी किस तरह से इनको बचाया है, पुलिस ने खुद इनका साथ दिया है, वरना ये एक धारा का मामला नहीं था। सलमान अजहरी को आप भूल गए? मुफ्ती सलमान अजहरी को मुसलमान इतनी बेगैरती से भूला है कि जैसे किसी दुश्मन को भूल जाते हैं। नौजबिल्ला भाई, हमारे लिए बोलने वाला, इसराइल के खिलाफ बोलने वाला, फिलिस्तीन के हक के लिए बोलने वाला, गरीबों के लिए बोलने वाला, अपने मुल्क के लिए बोलने वाला, अपनी कौम के लिए बोलने वाला, सबको एक करने के लिए बोलने वाला, अपने देश के फायदे के लिए बोलने वाला, वो सलमान अजहरी, उसको हम और आप ऐसे भूल गए जैसे वो कोई शख्स जो है 20 साल पहले मारा गया हो, अब भूल गए। सलमान अजहरी ने एक शेर पढ़ा तो वो जेल में सड़ रहे हैं, और जिसने हमारे कुरान को उल्टा सीधा कह दिया वो तुरंत जेल से बाहर, जेल तो गया ही नहीं, थाने से बाहर, फौरन बेल। उधर दूसरी तरफ आप ये समझ लीजिए कि चुनाव माहौल है, चुनाव चल रहा है, और कल तक जो तस्वीरें आई हैं रात तक, उसमें आपने देखा होगा, देख और समझ लिया होगा कि क्या हो रहा है। मुसलमानों को वोट देने से रोका जा रहा है, जो हमारी ये चुनाव आयोग है वो कई दिन से सोया हुआ है। कानूनों की धज्जियां बीजेपी खुद उड़ा रही है, बीजेपी खुद। भाई अगर यूं कहूं मोदी जी खुद उड़ा रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी को ही सब पता है, और मोदी जी बीजेपी से, बीजेपी मोदी जी से है। अब तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जगह जगह से कि जबरदस्ती पुलिस प्रशासन मुसलमानों को डरा धमका रहा है, जो अधिकार उनका नहीं है वो काम वो कर रहे हैं, ID चेक कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, उनको बाकी कुछ पता हो ना हो। अब पुलिस प्रशासन की ऐसी सख्ती देखकर खुद मुसलमान देख के जा रहे हैं, यार इतना लंबा टाइम लगा रहे हैं, अंदर भी चेकिंग, यहाँ भी चेकिंग, वहाँ भी चेकिंग, जबरदस्ती धूप में खड़े हैं। अब News 24 के एक छोटे से क्लिप को देख कर आप समझ सकते हैं कि देश में बीजेपी कर क्या रही है। बहुत गुंडागर्दी चल रही है, समझिएगा, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है, और जो खुद गुंडा हो ये चेक कर रहे हैं यहाँ, ये चेक करने का अधिकार ही नहीं इनको, इनको चेक करने का यहाँ पर अधिकार नहीं है, चेक कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों कर रहे हैं? चेक करेंगे मोबाइल, अंदर पोलिंग बूथ तो ID वगैरह देख रहे हैं सब, अध्य तो लोग इनको देख देखते वापस जाने लग रहे, ये चेक नहीं कर सकते,
ये चेक नहीं कर सकते, मोबाइल चेक कर, मोबाइल नहीं आईडी देख रहे, आईडी देख रहे, देखो पर्ची भी देख रहे, आईडी भी देख रहे, देखो इनको अधिकारी, अधिकारी किसने दे दिया अधिकारी इनको, देखो बताओ आईडी भी देख रहे, इनको ये पता नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि हमारा वोट है कौन से वार्ड में, दो घंटों के ये पता नहीं जाके ये जैसे चेक कर रहे हैं तो इनको बताना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा कहाँ पे है, चेक किस लिए कर रहे हैं, फिर आप अंदर जाओ ना, वो रोक नहीं सकते, आप जाओ अंदर, गए वहाँ पे धक्का खाकर और फिर वापसी आ गए। क्या लोकतंत्र है भाई, क्या कुछ नहीं, चुनाव आयोग खत्म है, ये आखिरी चुनाव हो रहा है देश में, याद रखिएगा। उधर एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें जो बंदा गया है पर्ची लेके कि भाई देखो मेरा बूथ इधर है, तो वहां बीजेपी की मशीन से पर्ची निकालकर बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है, देखिए। लिखने की बोले तो जरूरी, मेरा वोटिंग कार्ड है, आप मेरे को ना मेरी निकाल के बताओ, मेरा बूथ नंबर क्या है, क्या है, आप निकाल के दो ना, ये आपकी मशीन है ना, कागज भी लिख के दूंगी, नहीं नहीं, लेकिन ये मशीन से जो फोटो निकल रही लोगों को दे रहे, अभी तुम प्रचार नहीं कर सकते ना, कागज पे लिख के दो, कागज पे नहीं, ये लेकिन मशीन हटाना है ना, बंद करना है ना, उसमें गडकरी साहब की फोटो आ रही, गलत है कि नहीं है, फिर ये क्या चल रहा है आपने, नहीं मेरे को बताओ ना क्या गलत चल रही है, ये गलत है कि नहीं है, फिर तुम प्रचार कर रहे क्या, प्रचार कर रहे क्या, अभी आज वोटिंग का दिन है, आप प्रचार कर रहे क्या, नहीं ठीक नहीं है, गलत नहीं है, क्या बताओ मेरे को, हाथ और निकालो ना, उससे निकालो ना, अभी ये क्या है, ये नहीं, ये क्या है, ये क्या दिखाओ ना, ये दिखाओ ना, ये क्या चल रहा, ये क्या नितिन गडकरी जी की फोटो आ रही है, ये गलत नहीं है क्या, ये गडकरी साहब की फोटो निकाल रहे इन लोग, ये जो निकाल रहे प्रचार कर रहे, नहीं क्या कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, ये प्रचार कर रहे, गलत नहीं कर रहे क्या आप लोग, ये बंद करो मशीन तुम्हारी, नहीं ये फाड़ के बोले तो ये किससे दिया आपको, रुको रुको भैया, ये किसने आपको अथॉरिटी दिया, किसने अथॉरिटी दिया ये मशीन लगाने की, मेरे को बताओ ना, वो नहीं सुनता मैं किसी की, नहीं सुनता। इतना ही नहीं, क्लियर हो गया है कि कौन जीतेगा, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि ईवीएम का सारा खेल उसके हाथ में, बीजेपी के ऊपर से डरा धमका कर वोट भी उन्हीं से डलवाया जा रहा है, मुसलमान जो पक्के हैं, कुछ जो नहीं देंगे बीजेपी को वोट, उनको वोट देने से ही पीछे किया जा रहा है। अब आप स्क्रीन पर देखिए, पुलिस प्रशासन हिजाब पहनी हुई महिलाओं को खुद थुनकिया रही है, पीट दे रही है, इसकी इतनी औकात हो गई पुलिस की कि खुल्ला खुल्ला पीट रही है पुलिस, ये महिला कर्मी महिला को मार रही है, अरे मार तो सकते ही नहीं, किस कानून के तहत तुम मार रही हो भाई, वर्दी का बड़ा जोर है, कानून पर बड़ी अकड़ है, याद रखना जिंदगी में ऐसी बर्बाद होगी तुम, ये जो भी महिला एसपी डीएसपी जो भी हो, ऐसी बर्बाद होगी, क्योंकि ईश्वर देख रहा है, किसी को तो मानती होगी तुम, परमात्मा को, भगवान श्री राम को, हनुमान जी को, गणेश जी को, शिव जी को, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो तुमने काम किया है वो उनको पसंद करें। ये हो गया यूपी पुलिस का हाल, मुसलमानों को पीट रहे हैं जबरदस्ती बिना किसी बात के। अब पता है मुझे कि तुम कहानी कोई बयान करोगी कि ऐसा था वैसा था, लेकिन तुम मार नहीं सकते। पूरे देश में आतंक फैला हुआ है, मणिपुर में तो पूरा ईवीएम मशीन तोड़ दी गई है, देख लीजिए। इतना ही नहीं, मणिपुर में ही पोलिंग बूथ पर धुआंधार फायरिंग भी हुई है, और मोदी जी कह रहे हैं हमने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी थी, देखिए सच्चाई। उधर नागालैंड में तो और बड़ा खेल हो गया, नागालैंड के 6 इलाकों में 0% वोट, एक व्यक्ति भी वोट डालने नहीं गया, चल क्या रहा है मोदी जी, रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा रहे हैं आप, और यहां जो देश में चल रहा है उसका क्या। और ये देखिए चुनाव आयोग का मुर्दापन, ये चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष को ही तोड़ने का काम करता है, जिस दिन चुनाव है उस दिन बीजेपी ने फिर अपना प्रचार किया, ये गैर कानूनी था, और धर्म का एंगल खुल्ला खुल्ला राम मंदिर पर वोट मांगने के लिए नंगी हो गई है भाजपा, लिखती है कि वोट देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा जरूर कि रामलला का मंदिर किसने बनवाया।
अबे राम लला का मंदिर खुद राम जी ने बनवाया भाई, तुम्हारी कोई औकात नहीं, भाजपा की कोई औकात नहीं कि राम मंदिर बनवाए। प्रभु श्री राम में खुद इतनी ताकत है कि वो अपना मंदिर खुद बनवा सकते हैं, तुम लेके आओगे क्या? ये सिर्फ और सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों, समझ के देखिए। मैं भी इनके साथ पॉलिटिकल रिप्लाई कर रहा हूं, सोचने वाली बात है भाई। भगवान ऊपर या मोदी ऊपर, तो राम जी ऊपर ना, तो राम जी को लाने वाले तुम हो या खुद राम है? तो प्रभु श्री राम खुद ही हैं भाई, उन्होंने रास्ता ऐसा बनाया कि वो आए। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग का ये कानून है कि कोई भी धर्म पर, जाति पर और मजहब पर, और ये जो राम मंदिर खासकर बोला है, इस पर वोट नहीं मांगा जा सकता। लेकिन जिस दिन वोट पड़ना है उसी दिन बीजेपी ने चुनाव आयोग के मुंह पर थूक दिया है। मुजफ्फरनगर में तो तस्वीर देखिए, धूप में जानबूझकर लंबी लाइन लगवाई गई, मुसलमानों को इतना परेशान किया गया ताकि मुसलमान बिना वोट डाले चला जाए। मुजफ्फरनगर के हुसैनाबाद भनवाड़ा गांव का है, जहां तपती धूप में मुसलमान मतदाताओं को कतार में खड़ा किया हुआ है। मुजफ्फरनगर के खुद एसएसपी अभिषेक सिंह वहां पहुंचकर मतदाताओं की आईडी चेक कर रहे हैं। सोचिएगा जरा कि एसएसपी जैसे पद पर तैनात अफसर वोटरों की जब आईडी चेक कर रहा हो तो फिर क्या होगा। ये तस्वीर हिरेंद्र मलिक ने ली है दोस्तों, जो कि कुटबी बूथ पर कैप्चर की गई थी। पुलिस प्रशासन का हाई कमांड ऑफिसर मुसलमानों की आईडी चेक कर रहा है, ये परेशान नहीं करना तो क्या है। इसी तरह से रामपुर के एनसीसी कैंपस में भी प्रशासन ने मुसलमान महिलाओं को वोट डालने से रोकने के लिए काफी परेशान किया। महिलाएं जो रामपुर की कह रही हैं, सोचिए और समझिए, धोखे से, मक्कारी से, बेगैरती से, गुंडागर्दी से किसकी सरकार दोबारा आने वाली है। क्यों क्यों क्या हुआ वोट है, क्या हुआ? जाली वोट जब डलेगा, जब निशान होगा, देखिए हम पहले हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। बहुत निकाल रहा, हटो हटो, कौन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता, वोट डालना आए, कौन सा बूथ है, कौन लोग हैं? पुलिस के लोग हैं क्या? कौन लोग हैं पुलिस? मैंने मेरा वोट दिया था, जाओ जाओ जाओ, छिन्नी निकलो यहाँ से, तेरा निकलो, स्लिप ले ले रही है, बोल रहा आधार कार्ड लेकर आ, जो मेरे पास आईडी है, वोट डालने नहीं दिया, मेरी स्लिप भी छीन ली। आपने बहस ही करी वहाँ पर? वो कह रहा आधार कार्ड लेकर आ, बाहर वाले सर कहना है आईडी लेकर जाओ, वो कह रहा आधार कार्ड लेकर आओ। आपने आईडी दिखाई? मैं दिखाई हूँ आईडी, गाड़ी में रखी, मैं आपको डालने दिया, लेकर आई आपका डर। उधर पत्रकार जाकिर तयागी भी एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें उनकी बात सही साबित हो रही है। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा कि पुलिस के इस रवैये से ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम महिलाएं कैराना में वोट डालने नहीं बल्कि विदेश जा रही हूं। जिस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं को इस तरह से चेक किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी हो। जनाब आपने ये देख लिया कि पूरे देश में चल क्या रहा है। धर्म की आड़ में मुसलमानों को पीटा जा रहा है, दंगा फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जा रही, दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। 100 रुपये वाले हिंदू मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच देते हैं। वहीं आपने देखा कि चुनाव का रुख किधर है। गोदी मीडिया को आप देख रहे हैं चीख चीख कर वो बीजेपी को जिता रही है। और तीसरा मामला ये है कि चुनाव आयोग मुर्दा हो चुका है पहले से ही, सारे कानून बीजेपी तोड़ रही है, चुनाव आयोग के कान में जू नहीं रेंग रही है। और राहुल गांधी अगर एक कदम आगे बढ़ा दे तो चुनाव आयोग पूरा दहल के रह जाता है, ये कैसे कर दिया तुमने, ओवैसी की तीमत, चुनाव आयोग को कैसे माता आ जाती है चुनाव आयोग में। लेकिन यहाँ आप देखिए शांति, यहाँ पे सब शांति शांति है। उधर देखिए दोस्तों, अखबार में भी लिख दिया गया है, दुनिया को बताए भाई कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर जनता को लुभा रहे मोदी।
चुका रहे मोटी रकम, 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। और मोदी जी लगातार सिर्फ सोशल मीडिया, तभी तो आपके व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मोदी 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 होता रहता है, और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि देश का सारा पैसा मोदी जी के पास, और मोदी जी ने वो आधे से ज़्यादा पैसा लगाया है आपके प्रचार में। अब उनको कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है, आधा काम प्रचार कर रहा है, आधा एंटी मुस्लिम बातें बोलकर, मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान देकर। लेकिन बता दूं मोदी जी को और भाजपा को कि नफरत मोहब्बत करने वाले लोग पसंद नहीं करते। तुम कितने भी हमारे हिंदू भाइयों में नफरत फैला दो, लेकिन जिसके दिल में भगवान श्री राम होंगे वो नफरत वालों की तरफ जाएगा ही नहीं। ये तस्वीर याद है आपको, ये महिला जो हैदराबाद में तीर चला रही है मस्जिद की तरफ, जी हाँ, ये नंगी जलील हो गई है। ये कोमपेला एम लाठा जो हैं, ये हिंदुओं से वोट मांगने गई, हिंदू महिला से ही। उस हिंदू महिला ने बीजेपी का नाम सुनते ही, मोदी जी का पैम्पलेट देखते ही धक्का दे दिया इन्हें कि सर नहीं चाहिए। इसके बाद वो तीर मार नेता कैमरामैन पर भड़क गया, फोटो न खोले, सारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। देखिए उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जागरूक रहेंगे, समझदार बनेंगे। खासकर मुसलमान, जिंदा हो जाओ, कब तक मुर्दा रहोगे? जिंदा होकर विरोध करो, अत्याचार के खिलाफ बोलो, एक साथ हो जाओ। हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईरान के नाम पर या दूसरे समुदाय के नाम पर अपना शिया सुन्नी वाला है ना चूल्हा जला रहे हैं। बच के रहो। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।